इधर केजरीवाल की बात करते हैं, जिनका इंतजार आज खत्म हो गया। उनकी शिकायत थी कि प्रधानमंत्री उन्हें मिलने का वक्त नहीं दे रहे। आज वक्त मिला और पीएम उनसे मिले। क्या हुआ मुलाकात में, देखिए। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल ही गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलने पहुंचे केजरीवाल ने पीएम के सामने तमाम वही बातें कही जो वो अब तक मीडिया के बीच कहते आए हैं। हमने उन्हें बताया कि किस तरह से पिछले 6 महीने के अंदर 25 से 30 ऐसे मामले हैं जिसमें चुनी हुई सरकार ऑर्डर पास करती है और उधर से केंद्र सरकार से आ जाता है कि आपके ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। हमने कहा 8 जून को एक निहायत ही भ्रष्ट अफसर को एसीबी का चीफ बना के भेज दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स से कब्जा कर लिया गया एसीबी को। इससे किसका फ़ायदा हुआ? हमारा फ़ायदा हुआ, केंद्र सरकार का फ़ायदा हुआ, दिल्ली सरकार का फ़ायदा हुआ, जनता का फ़ायदा हुआ, किसका फ़ायदा हुआ? ऐसे लगता है जैसे दिल्ली पुलिस इज़ एट वॉर विद दिल्ली गवर्नमेंट। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। दिल्ली ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हुई, दिल्ली पुलिस कोशिश ये कर रही थी कि स्ट्राइक ना टूटे और बढ़े। डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई, दिल्ली पुलिस की कोशिश थी कि स्ट्राइक टूटे ना और बढ़े। खुद को भ्रष्ट कहे जाने पर एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। माननीय मुख्यमंत्री से इस तरह की भाषा यूज करना शोभा नहीं देता। किसी भी अफसर के बारे में इस तरह बोलना ठीक नहीं है। उनको ध्यान होना चाहिए कि अगर सरकारी कोई कर्मचारी है उसके भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है। बीजेपी ने भी केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री ने बाहर आकर बयान दिया है, उससे तो लगता है कि वो फिर सिर्फ विवादों में रहना चाहते हैं, शिकवे शिकायतों में और गिले शिकवों की बात करते हैं। पीएम और दिल्ली के सीएम की मुलाकात के बाद छिड़ी जुबानी जंग से फिर साफ हो गया है कि दिल्ली में अभी सियासी युद्ध बाकी है। रीमा पराशर के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली आज तक।